Hello friends, welcome to my channel Savvy Way, the way of smart learning. आज मैं आप लोगों के लिए सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पार्ट टू लेके आई हूँ. मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मर्स पार्ट वन में डिस्कस कर लिए हैं, उन रिफॉर्मर्स को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा. आगे के रिफॉर्मर्स हम पार्ट टू में डिस्कस करते हैं. मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चन ज़रूर आता है, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो. तो चलिए आगे के रिफॉर्मर्स स्टार्ट करते हैं. हमारा पहला मूवमेंट है आज का थियोसोफिकल सोसाइटी. थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में बनी. थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय एच पी ब्लात्स्की एंड एच एस ऑलकॉट. एच पी ब्लात्स्की और एच एस ऑलकॉट ने 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई. लेकिन थियोसोफिकल सोसाइटी पॉपुलर जब हुई, जब 1893 में एनी बेसेंट ने इसे ज्वाइन कर लिया. द सोसाइटी वॉज पॉपुलराइज बाय एनी बेसेंट ओनली. क्वेश्चन जनरली ये पूछा जाता है कि क्या एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी, तो इसका आंसर होगा नहीं. जनरली इस तरह का एक स्टेटमेंट ज़रूर होगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि एनी बेसेंट इसकी फाउंडर नहीं थी. इसके फाउंडर एच पी ब्लात्स्की एंड एच एस ऑलकॉट थे. एनी बेसेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स देख लेते हैं. कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया. एनी बेसेंट ने दो न्यूज़पेपर लिखा करती थी, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया. इन दोनों में ही ये अपने लेख लिखा करती थी. ये थियोसोफिकल सोसाइटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें यूरोपियंस और फॉरनर्स हमारे कल्चर से इम्प्रेस हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे और हमारी हेल्प करने आए थे. हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाने में हमारे लोगों को एम्पावर करने आए थे, हेल्प करने आए थे. ये थियोसोफिकल सोसाइटी अवतारवाद पे बिलीव करती है, इनकारनेशन अवतारवाद. उपनिषद्स की टीचिंग्स, योगा, सांख्या सब चीज़ पे बिलीव करती है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड. थियोसोफिकल सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी रिलीजन्स हैं, सारे रिलीजन्स एक ही मैसेज देते हैं, इसीलिए सारे रिलीजन भाईचारे के साथ रहें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के साथ रहें. ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था. रिवाइवलिस्ट मतलब इसमें हिंदुइज्म को रिवाइव कर दिया था. हमारे पास दो तरह के मूवमेंट होते हैं, रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट. हमें ये याद रखना है. एक ना एक स्टेटमेंट जनरली इस सेक्शन से होता ही है कि मूवमेंट जो है वो रिफॉर्मिस्ट है या फिर रिवाइवलिस्ट है. तो ये एक रिवाइवल मूवमेंट है, इसने हमारे हिंदुइज्म को रिवाइव किया था. रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स वो होते हैं जो कुछ चेंज करके प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, और रिवाइवल मूवमेंट वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों को रिवाइव करके फिर प्रेजेंट करते हैं. अब एनी बेसेंट के कुछ डेवलपमेंट्स हैं. एनी बेसेंट ने इनमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था. इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था बनारस में 1986 में. शी एस्टेब्लिश सेंट्रल हिंदू स्कूल इन बनारस इन 1986 में इन्होंने खोला था. ये पहली विमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. शी वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC. और हमें याद रखना है, ईयर भी याद रखना है कि ये कब बनी थी. 1917 में ये बनी थी. इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था. होम रूल लीग मूवमेंट किसके साथ मिलकर चलाया था? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर. उस टाइम पे कांग्रेस एक पैसिव ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था. पैसिव क्यों हो गया था? 1907 में कांग्रेस में स्प्लिट हो गई थी, सूरत स्प्लिट जिसे कहते हैं. तो कांग्रेस पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व नहीं था. तो जो गैप था वो होम रूल लीग मूवमेंट ने फिल किया. उस वॉइड को होम रूल लीग मूवमेंट ने फिल किया और लोगों को एम्पावर किया कि वो स्वराज मांग सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट से. नेक्स्ट रिफॉर्म इज लोकहितवादी रिफॉर्म. लोकहितवादी रिफॉर्म के फाउंडर थे गोपाल हरि देशमुख. गोपाल हरि देशमुख अपने लेख लिखा करते थे प्रभाकर में. प्रभाकर इनका न्यूज़पेपर था जिसमें ये पेन नेम लोकहितवादी से लिखा करते थे. इनका पेन नेम था लोकहितवादी. अब ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं? इन्होंने विमेन के लिबरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था. विमेन की कंडीशन सोसाइटी में पुअर थी, तो विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड करा के उनको लिबरेट किया जा सके. अरेंज मैरिजेस के अगेंस्ट थे ये. चाइल्ड मैरिजेस के भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट थे. और पॉलीगैमी मतलब मोर देन वन मैरिज के भी ये अगेंस्ट थे. और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? इनका एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था कि ये रिलीजियस एंड सोशल इक्वालिटी पे बिलीव करते थे. मतलब इन्होंने कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था और इन्होंने सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज करा था, दोबारा से ऑर्गेनाइज किया था. इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये सोशल इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे.
नेक्स्ट मूवमेंट इज इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस. इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एक सोशल रिफॉर्म विंग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, INC की. क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरी तरह से पॉलिटिकली इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजेशन था. दादा भाई नेहरू जी ने ये क्लियर कर दिया था कि INC सिर्फ पॉलिटिकल क्वेश्चंस को ही रेज करेगी, तो इसलिए सोशो रिलीजियस क्वेश्चंस के लिए ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी. ये कब बनाई गई थी? 1887 में. इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 साल बाद ही बना दी गई थी 1887 में. इसके फाउंडर थे MG रानाडे और रघुनाथ राव. द फाउंडर वर MG रानाडे एंड रघुनाथ राव. MG रानाडे ने हमारे एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स लिखे. एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरह से एक्सप्लॉयट किया, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन हमारा कितना ज़्यादा हुआ था. अब ये किस चीज़ के अगेंस्ट थे? ये पॉलीगैमी, कुलीनिज्म और इंटरकास्ट मैरिजेस के अगेंस्ट थे. पॉलीगैमी मतलब मोर देन वन वाइफ रखने की जो प्रैक्टिस होती है, इंटरकास्ट मैरिज जिससे कि इक्वालिटी लाई जा सके सोसाइटी में. इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि प्लेज मूवमेंट चलाया था इन्होंने. प्लेज मूवमेंट किसके अगेंस्ट? चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट. इन्होंने हर पेरेंट्स को प्रतिज्ञा दिलाई थी कि वो अपने बच्चों की चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, बाल विवाह नहीं करेंगे. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार. नेक्स्ट मूवमेंट है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले. GK गोखले वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी. अब देखिए ये जो सोसाइटीज़ थी ना हमारी, ये चैरिटी वर्क किया करती थी बहुत ज़्यादा. रिलीफ वर्क, चैरिटी वर्क मतलब लोगों का भला किया करती थी, कैंपेन चलाया करती थी. अब ये हितवाद में लिखा करते थे. हितवाद एक इनका न्यूज़पेपर था, उसमें लिखा करते थे गोपाल कृष्ण गोखले हितवाद थे और गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी थे. तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. अब इन्होंने कैंपेन चलाए थे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए. जो इनकी सोसाइटीज़ थी जो रिलीफ वर्क किया करती थी सैनिटेशन के लिए, लोगों की हेल्थ केयर के लिए, सोशल इविल्स जैसे कि अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, जो लोगों में शराब पीने की आदत पड़ जाती है उसको हटाने के लिए, अल्कोहलिज्म के लिए, और वुमेन के खिलाफ जो डोमेस्टिक एब्यूज़ होता था, घरेलू हिंसा, इन सब के अगेंस्ट इन्होंने कैंपेन चलाया था और लोगों को एम्पावर किया था, सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी ग्रास रूट लेवल पे. नेक्स्ट इज सेवा समिति. सेवा समिति के फाउंडर थे हृदयनाथ कांजरू. सेवा समिति भी हमारी एक सेल्स होती थी, समितियां होती थी जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक जा जाके कैंपेन चलाती थी. जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में समझाना कि हेल्थ केयर क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनके बारे में बताते थे. रिहैबिलिटेटिंग डिफरेंटली एबल्ड्स, जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों के लिए कोई नहीं होता था जैसे कि दिव्यांग लोग, उन लोगों को सपोर्ट करते थे, चिल्ड्रंस को सपोर्ट करते थे. और लेप्रोसी के अगेंस्ट जो भी कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी थे उनको हेल्प करते थे कि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें. तो इस तरह के इन्होंने कैंपेन चलाए थे. ये चाइल्ड मैरिज के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें. प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.